सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। एक बंदा जो 2 महीने जेल में रख करके लाया जाता है, वो अपने ही बच्चों की वालदा पे इल्जाम लगाता है और बेहुदा किस्म का इल्जाम लगाता है, और जज साहब 2 दिन के अंदर 14-14 घंटे कंप्लीट करके ट्रायल कंप्लीट करता है, भी जज साहब ने जजमेंट साइन नहीं किए। सर, आज की कार्रवाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्रवाई तो जो दीवार पे लिखा था वो हमें नजर आ रहा था कि कन्विक्शन की मैक्सिमम सेंटेंस होगी जिस वक्त जज ने, और जज साहब ने जजमेंट अभी लिखी भी नहीं थी, ना उसके पास कापी थी, ना हमें कापी दे दी, उन्होंने अनाउंस कर दिया ताखीर के साथ अनाउंस। हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है कि हमारा हाथ की दिफा भी खत्म किया जाता है, हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने भी नहीं दिया जा रहा है, क्रॉस करने भी नहीं दिया जा रहा है, इल्जाम भी बेसलेस है, फिर भी कन्विक्शन भी हो रही है और आ रहे हैं। तो ये दीवार पे लिखा हमें नजर आ रहा था, लेकिन खान साहब के मोराल आई है और वो घबराने वाले नहीं है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि हाईकोर्ट लेके जाएंगे तो ये सारी कन्विक्शन और सेंटेंस खत्म हो जाएगी। सर, हमारे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि आप एक वकील भी हैं और आप रोस्टरों पर मौजूद भी थे, आपने फैसला खुद सुना है, इस फैसले को जरा मुख्तसरन बता दें कि जज साहब ने क्या रिमार्क्स दिए। जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि उन्होंने ये कहा था कि चूंकि आपने एडमिट किया हुआ है इस बात को कि हमने दूसरा फंक्शन किया था दुआ के लिए, तो मैं जो दूसरा फंक्शन है दुआ वाला, वो दुआ वाला मैं फंक्शन समझता हूँ कि ये निकाह वाला फंक्शन है, तो 2 निकाह हुए, जबकि हमने जज साहब को पहले भी कहा था, ग्राउंड्स भी है कि ऐसा नहीं है, निकाह एक ही हुआ था, हमने कहीं भी नहीं कहा है, नहीं जज साहब ने कहीं इसमें जिक्र किया हुआ है कि आपके 2 निकाह हुए, 1 मरतबा निकाह हुआ है, दूसरा फंक्शन खान साहब के बच्चे चूंकि इंग्लैंड में थे उनको इतमाद में लेने के बाद एक फैमिली फंक्शन हुआ था, दैट साल कोई एक ही निकाह हुआ, और निकाह जो हुआ है वो इज्जत के बाद। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यही है कि जब औरत कहे इज्जत कम्प्लीट है तो उसके मुताबिक हुआ है, इवन अदरवाइज पाकिस्तान की जो ये लॉ इस वक्त राइज उल अमल है पाकिस्तान में, ये इसके ऑलमोस्ट 160 साल हो गए, 160 सालों में पहली मर्तबा किसी को इसमें कन्विक्शन हुई है, और ये आप इस बात से अंदाजा कर लो कि किस तरीके से हमारी प्रोसिक्यूशन गिर गई है इस मामले में। मॉरल वैल्यूज किस तरह मुतासर हो सकती है? देखिए, मॉरल वैल्यू वो लोग कहेंगे कि इससे मुतासर होती है जिसने इमोरल काम किया हो। निकाह तो सुन्नत है और इद्दत के बाद ही निकाह हुआ है। एक बंदा जो 2 महीने जेल में रख करके लाया जाता है, वो अपने ही बच्चों की वालदा पे इल्जाम लगाता है और बेहुदा किस्म का इल्जाम लगाता है, गलत और बेबुनियाद इल्जाम लगाता है, और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग उनको लेके आ जाते हैं, और जज साहब 2 दिन के अंदर 14-14 घंटे कंप्लीट करके ट्रायल कंप्लीट करता है, ऐसे सरकमस्टांसेस में आप कहें कि राइट सारे वायलेट हुए, एविडेंस नहीं करने दिया गया, क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं दिया, अभी भी जज साहब ने जजमेंट साइन नहीं किए, अभी भी कापी जज साहब ने हमें नहीं दिए, ये सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, एविडेंस हो ना हो जज ने उन्हें कन्विक्शन दे देनी है, लेकिन अवाम की अदालत है खान साहब की, इंशाल्लाह अवाम की अदालत में सरफरू होंगे, दुनिया देखेगी जिन्होंने ये केस बनाया है, दुनिया उन पर लानत करेगी। अच्छा सर, लास्टली ये बता दीजिएगा, 8 फरवरी सर पर है, खान साहब ने कौम को भी पैगाम दिया कि मैं डील नहीं करूंगा, और ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी खान साहब शायद जेल के अंदर टूट गए, आपने भी आज बॉडी लैंग्वेज देखी अंदर, मैंने भी देखी, मुझे तो लग रहा है खान साहब पहले से ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब मजबूत है, जिनके अवसान खता हो जाते हैं, जो डीलों की तरफ जाते हैं, जो रो पड़ते हैं, खानों का खान उसमें से कभी नहीं है ऐसे जैसा कभी दुनिया में नहीं देखा कि इतने स्ट्रांग आदमी हो, उनका हर हर वक्त जो एक एक मिनट है वो आवाम के लिए, वो हमसे पूछते भी आवाम के बारे में, आज भी है तो मुझसे ज्यादातर डिस्कशन उन्होंने इलेक्शन के सिलसिले में किए, दिन के अपने केसेस के सिलसिले में किए, बिल्कुल जब जेल में अपने बहरिक में इंटर हो रहे थे जिसके दरवाजे तक मैं उनके साथ गया हूँ, उस वक्त भी उसने मुझे इलेक्शन रिलेटेड डायरेक्शन दिए बजाय इसके कि अपने केस रिलेटेड डायरेक्शन। नहीं, खान साहब बिल्कुल डिटरमिन्ड, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है, ये खत्म हो जाएंगे, और खान साहब पूर उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, और बहुत जज्बे के साथ है कि इंशाल्लाह आवाम से ही फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया सर।